सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। देशव्यापी महामारी कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के कारण गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के बीच खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे देखते हुए केटीपीएस हेल्प समूह और कोडरमा आवर प्राइड के सहयोग से सुदूरवर्ती क्षेत्र झरना कुंड के जंगलों में रहने वाले 30 आदिवासी जनजाति परिवारों के बीच आज खाद्य सामग्री वितरण किया गया। साथ ही अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए राशि से सिलहारा के तनवीर आलम की मदद से चौपारण स्थित सिलहारा के पास रहने वाले 16 गरीब परिवारों के बीच खाद्यान्न सामग्री वितरण किया गया। खाद्य सामग्री में चावल, दाल, आलू, सरसों तेल, मसाला, डिटॉल साबुन, सर्फ, बिस्कुट इत्यादि का पैकेट बनाकर वितरण किया गया। सामग्री वितरण करने से पहले कोरोना वायरस के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री लेने आए लोगों का हाथ धुलवाया गया, फिर सैनिटाइजर देकर उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 1 मीटर की दूरी पर बनाए घेरे में खड़ा किया गया, जिसके बाद खाद्य सामग्री वितरण किया गया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अभियंता कन्हैया सिंह ने लोगों को संक्रमण से बचने के लिए हाथ धोने, मुंह में कपड़ा या मास्क बांधने, लोगों से दूरी बनाकर खड़ा होने जैसे कई प्रकार के सुझाव भी दिए। कोडरमा से गौतम कर्ण की रिपोर्ट।